कचूरी, खंगाल रहे हैं वार्ड में विकास का पैमाना। 5 वर्षीय पार्षद रूपी ठेकेदार का खोल रहे हैं कामकाजी चिट्ठा। कोशिश आपके वार्ड की जमीनी हकीकत को जनता के बीच में लाने की, प्रयास नेताओं को आईना दिखाने की, उद्देश्य आपके नेताओं का राजनीतिक चरित्र उजागर करने की। तो आइए दिखाते हैं नए वार्ड की जमीनी कहानी, जनता की जुबानी। सतत जारी सर्वे की श्रृंखला में अब हम आ पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 20 गौरीनगर। यहां से पार्षद रहे भाजपा के महेंद्र चौधरी। तो क्या कह रहा है चौधरी जी का कामकाजी रिपोर्ट कार्ड, आइए दिखाते हैं रेड 9 न्यूज की एक्सक्लूसिव सर्वे नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। साथ नए वार्ड की करेंगे सर्जरी। जी हाँ, इस वक्त हम आ पहुंचे हैं क्षेत्र क्रमांक 2 विधानसभा और वार्ड क्रमांक 20 वर्तमान में पार्षद रहे महेंद्र चौधरी। क्या महेंद्र चौधरी अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में जनता को खुश करने में हुए कामयाब? क्या महेंद्र चौधरी बुनियादी सुख सुविधाएं देने में हुए कामयाब? क्या कहता है क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड और क्या कहता है नेता का रिपोर्ट कार्ड, आइए देखिए। मैंने यानी गौरीनगर की बात करें तो ये विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में स्थापित सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी है, जहां की वर्तमान आबादी तकरीबन 35,000 मानी जा सकती है। यहां वर्तमान निर्वाचन लिस्ट के अनुसार कुल मतदाता है 25,000। पूर्व में हुए निगम चुनाव में चुनावी प्रक्रिया चाहे जो भी हो, परंतु जनता की मांग थी पानी, सड़क और ड्रेनेज लाइन। 2015 में हुए निगम चुनाव में भाजपा के महेंद्र चौधरी और भाजपा से बागी हुए जितेंद्र चौधरी के मध्य मुख्य टकराव देखा गया। निर्णायक मुकाबले महेंद्र चौधरी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जितेंद्र जीतू चौधरी को 140 मतों से पराजित किए। जानकारी के लिए बता दें कि इस वार्ड में ज्यादातर रहवासी निम्न आय वर्ग या मजदूर वर्ग से ही है, जिनके लिए सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल जाना ही पर्याप्त होता है। लेकिन पार्षद महोदय चुनावी वादों और विजय श्री के बाद से अपने क्षेत्र से नदारद ही रहे। पानी वानी? पानी तो मतलब इधर सरकारी बोरिंग है, हाँ। उसका पीते थे, हाँ। और अब ये नर्मदा कनेक्शन अब हो रहा है। वार्ड की वास्तविक हकीकत आपको बता दें कि वहाँ रहने वाले क्षेत्रीय रहवासियों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो क्या कहता है वार्ड क्रमांक 20 का हाल, क्या कहता है गौरीनगर का हाल, आइए जानते हैं क्षेत्रीय रहवासियों से। कार्यकाल से संतुष्ट हुई कि नहीं हुई? नहीं, ये तो कुछ नहीं हुआ वैसा। जीतने के बाद नहीं आते ना कभी? नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। अभी सब फोन वोन लगाते आप लोग, उठाते हैं कि वो भी नहीं उठाते फोन वोन? इधर जो जीतू दादा है, हाँ, ये तो हमारा सब काम वही करवा रहा है। नीचे बदलो तो मुझे पानी भी पी रहा है। जीतू दादा बोले तो उनके बदौलत ये पानी भी पी रहा है। हर काम हम उन्हीं से करवाते हैं। आधा से ज्यादा क्षेत्र आपका जलमग्न हो जाता है। नाले का पानी आ जाता है। इस 22 साल में क्या विकास देखा आपने? आपके क्षेत्र क्या देखा है? पहले कीचड़ में थे, उसके बाद अब रोड बन गई।
ये समर्थन देखा और ये देखा बस। अच्छा, इसके अलावा क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? पानी की समस्या, मेन पानी की समस्या। पानी नहीं, गर्मी के दिनों में क्या करते हैं? डब्बे उठा उठा भगते हैं इधर उधर। और क्या करते हैं? टैंकर आता, वो एक एक टंकी पानी दे जाता है। अच्छा, आपके पार्षद का जो काम काज रहा 5 साल का, संतुष्ट हुई क्या उससे? नहीं हुई संतुष्ट, बिल्कुल भी संतुष्ट, बिल्कुल ही। आए तो हम तो ऐसे ही बोल दे उनके सामने। क्षेत्र में रह रहे हैं आप? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल में क्या विकास देखा आपने? 10 साल में केवल आपकी जो रोड देख रहे हैं, रोड बनाए, रोड के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, काफी प्रयास करने के बाद जाके रोड बनाई है। रोड के अलावा यहाँ पे कोई बुनियादी सुविधा क्या करना पड़ा? ये सड़क बनाने के यहाँ के चक्का जाम करना पड़ा, लोगों के सामने घूमना पड़ा, पार्षद के आगे, महापौर के आगे, विधायक के आगे, हर बार कितने कम से 50 बार चक्का लगाना पड़े, उसके बाद जाके रोड सेंशन हो पाया, रोड बन पाया। अभी भी देखिए पीछे की रोड जाके क्या हालत है आपकी है। आज भी लोगों को बुनियादी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, कि पानी कैसे मिलेगा कुछ, मतलब हर प्रकार से लोग सुख सुविधाएं होती है वो मुहैया नहीं करवा पाए पार्षद आपके? बिल्कुल नहीं करवा पाए, मतलब असंतुष्ट, बिल्कुल असंतुष्ट। हमेशा आपके क्षेत्र में रह रही हूँ? बहुत दिन। कितने दिन? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल में विकास हुआ नहीं हुआ आपके? नहीं हुआ ना विकास, क्या नर्मदा लाइन आई नहीं रही है, पानी का बड़ा आफत कर रहा है। हमारे घर थोड़ा थोड़ा पानी आता है, इनके घर आते हैं, 2 घर में पूरी गली जनता भरती है। सिर्फ 2 घरों में नर्मदा का पानी आता है? थोड़ा थोड़ा सा कनेक्शन करवाया, पर्ची वर्ची रखी है आपके पास? कनेक्शन कराया। पैसे दिए? हाँ। कितने पैसे दिए? 1800 रुपए दिए। हाँ। पानी नहीं मिलता? नहीं मिलता। शिकायत की कभी पार्षद? शिकायत किसी का ना करती, मतलब पास हुए कि फेल हुए? हमारे हिसाब से तो फेल हो गए, काम नहीं किया क्योंकि नहीं किया। रोड का काफी इनसे इंतजार कर रहे थे, अब जाके वहाँ मुझे देखिए 2 साल नहीं हो रोड के हालत तोड़ गई रोड। और नर्मदा लाइन तो कब से, अभी तक भी वो मोटर लगाते हैं तो वेट करते हैं, उसके बाद में पानी आता है। सर पास हुए कि फेल हुए महेंद्र चौधरी? फेल हो गए। धर्म पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं? हम तो नहीं देंगे वोट। वोट नहीं देंगे? नकार रही है मतलब आप चुनाव से पहले? नहीं तो क्योंकि विकास नहीं करा ना ढंग से, जैसे हम खुश होना चाहिए वैसे खुश नहीं है, नहीं उनसे। नर्मदा नहीं आ रही है और रोड वाले तो खुद गए इतनी जल्दी। पानी आता है? हमेशा आता है कि अभी आ रहा है? अभी आ रहा है, अभी तो आ रहा है, पानी नहीं आ रहा। अरे जब से कनेक्शन लिया है एक गगरे के गुनेगार है, बस बांध तो ही पानी आता है। दोबारा मौका देंगी? नहीं देंगी। महेंद्र चौधरी को दोबारा मौका देंगी? नहीं देंगे। बदलाव करना है, करेंगे। गौरतलब है कि पूर्व पार्षद हरिशंकर पटेल के विशेष मोह के चलते भाजपा से पार्षद बने महेंद्र चौधरी चुनाव प्रचार के दौरान तो वादों के बयार उड़ाते चले, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से जनता पार्षद को ही ढूंढ रही है। और वो इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि पार्षद जी के द्वारा पहले तो ऐसे नल कनेक्शन किए गए जिसका निगम के पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। क्षेत्रीय रहवासियों ने सूचना अधिकार के तहत इस सच्चाई को उजागर किया था। यही नहीं, जनता कनेक्शन होने के बावजूद बूंद बूंद पानी के लिए दर बदर भटकने को मजबूर है। सबसे पहले हम पहुंचे वार्ड स्थित रूप नगर कॉलोनी में। यहां पर कुल 6 गलियां हैं। गलियां बदल रही थी परंतु जस की तस बनी हुई नजर आई। वार्ड में कुल मतदाता है 1300 से 1400, परंतु इन्हें केवल वोट देने का अधिकार मिला है। ये अपने नैतिक अधिकारों के लिए आज भी नेताओं के दरवाजे पर गुहार ही लगाते हैं। वहीं खातीपुरा गांव, न्यू खातीपुरा, भोलेनाथ धाम, न्यू गौरीनगर, प्रिंस सिटी, सुखलिया गांव, केशव नगर, सूरज नगर, आदिनाथ नगर, किंग्स पार्क, देवश्री कॉलोनी, ये वो सघन क्षेत्र हैं जहां बिना बरसात के 12 महीने पानी सड़कों पर फैला रहता है जैसे मानो नाली हो। यही नहीं, जहां तहां खुले पड़े हैं चैम्बर के ढक्कन, तो कहीं खाली प्लाटों में लगा है कचरे का ढेर।
कहीं बैकलाइनों में जमी है गाद तो कहीं पानी के लिए होता है विवाद। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे, ऐसा कहना तो उस जनता जनार्दन का है जो अपने पार्षद की निष्क्रियता का दंश झेल रहे हैं, जो अपने बुनियादी जरूरतों के लिए अपने ही पार्षद के खिलाफ करते हैं चक्का जाम। ये बेहद शर्मनाक विषय है कि पार्षद अपने 5 साल के कार्यकाल में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने में नाकाम रहे। बहन चौधरी, कामकाज कैसा रहा 5 साल का? कुछ भी सुनवाई नहीं दी आज। ये सोचो, ये जो बोरिंग का जो पानी है, आधे लोगों को मिलता है आधे लोगों को नहीं मिलता है। और मैं उनके पास ना कितने 2-3 बार में गई खुद, मैन चौधरी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने जैसा काम करना आज तक उन्होंने। अच्छा ये बताइए, आपके पार्षद के कार्यकाल से आप संतुष्ट हुई कि नहीं? नहीं हूँ। यहाँ हमारा गंदी नाली का पानी दे रहा है, आज इतनी बास आती है कि हम लोग दरवाजा बंद करके रहते हैं। अभी दरवाजा इसीलिए बंद था ये, और पानी की समस्या यहाँ पे। अच्छा आपके क्षेत्रीय पार्षद से खुश हैं आप या नहीं? कोई खुश नहीं है पार्षद से। बहुत सारे काम ऐसे हुए जो उन्होंने वादे करे और पूरे नहीं करे। हमारी गली में पक्की रोड बनी थी, उस पर जब नर्मदा लाइन नहीं डाली गई, उसके बाद रोड खोद के लाइन डाली गई, जिसका हम सब गली वालों ने जितू चौधरी के साथ में विरोध करा था। तो इनका ये हमसे वादा था कि लाइन डलने के बाद 15 दिन बाद हम उसको पक्का कर देंगे। जो लाइन डले आज 4 साल हो गए हैं, तो उसको रोड को आज भी उन्होंने पक्का नहीं करा है। वो आज भी रोड वैसी कच्ची है और बारिश में बहुत परेशानी होती है। और नल कनेक्शनों में भी जो हुए हैं वो भी करीब करीब पूरी नगर के अवैध ही हैं, कि नगर निगम में नल कनेक्शनों का कोई रिकॉर्ड है नहीं। इस वार्ड की एक झलक हम भी आपको दिखाते हैं। आपको याद होगा जब गणेश चतुर्थी के दौरान हमारा स्मार्ट इंदौर जलमग्न हो गया था, तब यही वार्ड था जहां पनडुब्बी में बैठ के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था। तो उनको वोट देंगे क्या आप लोग? बिल्कुल नहीं देंगे, क्यों देंगे? हमारा पार्षद जो है नया पार्षद बिल्कुल फेल है, ना कोई काम नहीं किया। जैसे पार्षद तरह कुछ भी नहीं किया, सब गंदगी नाली तो अपने एक दिवसीय सर्वे में हमने जाना कि पार्षद चौधरी चुनाव जीतने के बाद से क्षेत्र से नदारद रहे, वे जनता का दिल जीतने में नाकाम रहे। यहाँ तक कि क्षेत्रीय रहवासियों को उनकी मूल जरूरतें उपलब्ध करवाने में भी नाकाम ही रहे। तो अपने सर्वे और जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया में पार्षद महेंद्र चौधरी बुरी तरह हुए फेल। गौरतलब है कि नवीन आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार वार्ड क्रमांक 20 गौरीनगर अब पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में गया है। ऐसे में भाजपा से क्षेत्र के सर्वाधिक सक्रिय नेता जितेंद्र जीतू चौधरी अपनी धर्मपत्नी रचना चौधरी को चुनावी रण में उतारने के लिए आतुर हैं।
हो भी क्यों ना, नेताजी चुनाव हारने के बावजूद क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले इंदौर के एकमात्र नेता हैं, जो क्षेत्र में बोरिंग भी करवाते हैं, टैंकर भी उपलब्ध करवाते हैं, लॉकडाउन में जरूरी सामग्री भी उपलब्ध करवाते हैं और समय समय पर क्षेत्रीय पार्षद के खिलाफ लामबद्ध भी हुए। ऐसे में टिकट की दावेदारी में रचना चौधरी सबसे आगे हैं। वहीं पूर्व पार्षद महेंद्र चौधरी भी अपनी धर्म पत्नी संगीता चौधरी के लिए टिकट की चाहत में क्षेत्रीय विधायक दादा रमेश मेंदुला के यहाँ उठक बैठक लगा रहे हैं। वहीं पूर्व में भाजपा से ही पार्षद रहे हरिशंकर पटेल अपनी पत्नी सविता पटेल के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस से चिंटू चौकसे के समर्थक शेखर पटेल अपनी पत्नी द्रौपदी पटेल के लिए, वहीं शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के समर्थक गोपी यादव अपनी पत्नी करुणा यादव के टिकट के लिए प्रयासरत हैं। बहरहाल टिकट के मामले में किसकी किस्मत खुलती है, कौन बनता है क्षेत्र का भविष्य में पार्षद, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड 9 टीवी, इंदौर।